समस्तीपुर के माचलपुर नगर में मां बीजासन उत्सव समिति द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह दर्शकों के बीच देर रात तक बैठकर ठहाके लगाते हुए नजर आए। देखिए एक खास रिपोर्ट। आजकल के नेताओं का सिर्फ एक ही नारा है, तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं खुद चूस लूंगा। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के माचलपुर नगर में मां बीजासन उत्सव समिति द्वारा आयोजित नवदुर्गा गर्भ उत्सव कार्यक्रम में हुए विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों ने इस तरह के व्यंग ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के सामने ही सुनाए। व्यंग भी ऐसे कि मंत्री खुद भी ठहाके मारकर हंसने को मजबूर हो गए। नगर में देर रात तक हास्य गीत गजल और शायरियों का दौर चला। बता दें कि कवि सम्मेलन से पहले मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मां कालका की महाआरती की। बता दें कि समिति ने सभी कवियों और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह को मां कालका का चित्र भेंट कर स्वागत किया। वो लोग आता भूखे मरे थारी याद आए रे के सुनो गांधी देश थारो और मुसीबत को मारो हुयो वो लोग आता भूखे मरे थारी याद आए रे और कुत्ता जैसा भूसी रिया ने खूब खून चूसी रियाई जमाना की हवा बदली समझ में नहीं आए रे। मित्रों में कोई राजनीतिक बात नहीं करूं आपके बीच में, क्योंकि नेता हमारे देश में सिर्फ अभी तक एक हुआ है जिसको हम कहते थे सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी। वो नेता थे और आजकल तो उन्होंने एक नारा दिया था हमको कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजकल का तो नेता कहते तुम मुझे आजादी दो खून तो मैं खुद चूस चूसा लूंगा तुम्हारा। आपको बता दें कि इस विराट कवि सम्मेलन में राव अजात शत्रु, कमल आग्नेय, बाबू बंजारा, एकता आर्या, नरेंद्र नखेत्री, नम्रता श्रीवास्तव, चेतन चर्चित जैसे विख्यात कवियों ने देर रात तक समा बांधे रखा। वहीं बड़ी संख्या में कवि सम्मेलन सुनने आए लोगों ने भी कवियों का हौसला बांधे रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खिलचीपुर।